कितना मुआवजा सर किस तरीके से? वो तो सरकारी बताएगी, वो हमसे रिलेट नहीं करता। हमारे से तो बेसिकली जो फर्स्ट रिस्पांस है, एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हम आए और हमने ये फायर फाइटिंग का कोऑर्डिनेट किया, लोगों को रेस्क्यू किया, हॉस्पिटल्स में जो थे उनको एडमिट करवाया, उनके स्टेटमेंट्स लिए हमने और जो कानूनी कार्रवाई है वो की, आगे भी चल रही है। नहीं नहीं वो नहीं बता पाए, देवर इन स्टेट ऑफ शॉक। देखिए बर्न के कारण तो एक लेडी की डेथ हो ही गई है, डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इसमें बर्न्स के, और वो हम सबके स्टेटमेंट ले रहे हैं और सब में कार्रवाई हो रही है। एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं सर कि जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है उनके बारे में जानकारी इनके परिजनों को पुख्ता नहीं मिल पा रही। दे आर रनिंग वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल कि उनके अपने मरीज कहां पे हैं, उनको ये नहीं जानकारी मिल रही। करने के लिए सर कोई मीडियम उन तक कैसे ये बात पहुंची जाए कि उनका अपना कहां पे है, किस हॉस्पिटल में? चलो हमें इसके लिए कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश कर लेंगे, जहां एक कंट्रोल रूम का नंबर हम सोशल मीडिया से भी शेयर कर लेंगे, और मेरे को लगता है कि एक इंस्पेक्टर को मैं एसपी साहब को बोलूंगा बिठा लें और वो जो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम के थ्रू या फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सबको दे दें, कहाँ कांटेक्ट करना है, कौन सा पेशेंट किस हॉस्पिटल में एडमिट है, कौन सेफ है, उसको अभी शेयर कर लेंगे। अगर कोई डेड बॉडीज ना हो उसको भी देखेंगे, तो धीरे 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 करके काम चल रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि काफी भयंकर आग थी कल, वो कंट्रोल हो गई है, और जैसे मैंने बताया कि जो 13 लोग मिसिंग है, पैनिक में भी हो सकता है बाहर गए हों, तो उनको हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 लोगों का बेस क्या है, कैसे पता लगा कि वो मिसिंग है, किस डेट पे, क्या उनकी शिकायत आई उनके करीबियों की? नहीं नहीं, हमने पूरी लिस्ट, हमने पूरे मैनेजमेंट से लिस्ट की है, और इसमें हमने बरोटी वाला में भी 14 नंबर FIR दर्ज किया है, जो 304 पार्ट 2 में बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बिकॉज ये बड़े वॉलेटाइल या इन्फ्लेमेबल केमिकल्स थे, तो इसमें पूरी एहतियात बरतनी थी। फैक्ट्री मैनेजमेंट के खिलाफ किया, हमने जो प्लांट मैनेजर उसको अरेस्ट भी कर लिया है, और उन्हीं से हमको पूरा ये सब पता लगा कितने वर्कर्स थे, हमारे पास सारा लॉग है, और अब जो 13 लोग हैं हमको लगता है कि काफी उसमें सेफ भी होंगे, पैनिक में भागे होंगे, उनको भी हम कांटेक्ट करेंगे। फायर एनओसी वगैरह या सेफ्टी मेजर थे अंदर? देखिए ऐसा वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट था कि आग को बुझाना, लोगों को रेस्क्यू करना और हॉस्पिटल तक पहुंचाना, हम बस स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सर एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अजय सुपरवाइजर था उसने गेट बंद कर दिया जी, हमें बाहर नहीं निकले, कुछ लोगों का ये गेट लगाने की सबसे बड़ी, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के मुद्दे हैं, ये अभी आएंगे। जैसे सबसे पहले तो देखिए है कि कितने लोग थे, सेफ है कि नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि अभी NDRF एक्सटीरियर बिल्डिंग का चेक कर रही है, फिर उसके बाद ये सारे काम जो रीजन एंड व्हाट इज योर स्टैटिक्स। देखिए हमारा तो फैक्ट्स पे बेस है, लोग कुछ भी बोले, हमारे पास तो जो फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से हम तो एक क्रिमिनल केस कर रहे हैं, उसमें सारा रिकॉर्ड है हमारे पास, वो सबको कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। हमने बोला अभी 13 लोग मिसिंग है, उनको भी ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जब ये स्ट्रक्चरल सेफ्टी NDRF कर देगी बाहर से अंदर से तब अंदर जाएंगे। टोटल स्टाफ कितना था अंदर जिस टाइम आग लगी? मेरे से सारे स्पेकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के फैक्ट्री के मालिक पे क्या कुछ एक्शन, कौन सी FIR, कौन सी तो मैंने बताया ना, 14 FIR नंबर 14 बरोटी वाला में की है, जिसमें जो प्लांट मैनेजर है इसको अरेस्ट कर लिया है, जो फैक्ट्री ओनर्स है उसको अरेस्ट करने के लिए हमने टीम भेज दी। देखिए ऐसा है कि हम इससे ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि रेस्क्यू कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए आप देख ही रहे हैं NDRF बिल्डिंग की एक्सटीरियर जो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उसको देख रहे हैं, अंदर से देखेंगे तभी अंदर टीम्स घुस पाएंगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। SIT का भी गठन किया है सर आपने, वो SIT के बारे में बताया, कौन हेड कर रहा है, क्या कुछ? देखिए ऐसा है क्योंकि ये थोड़ा गंभीर मामला है और कॉम्प्लिकेटेड मामला है, काफी लंबा मामला है, इसलिए हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसमें गठित की है, जिसके हेड हमारे एडिशनल SP अशोक रहेंगे, वो काफी अनुभवी पुलिस अधिकारी है, एक DSP खजाना राम है वो भी अनुभवी है, और जो SHO बरोटी वाला उनके अंडर की है, क्योंकि इसमें बहुत एस्पेक्ट्स हमको देखने हैं और धीरे धीरे करके हमको वो पिक्चर क्लियर होती जा रही है। काफी लूप होल्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, पद्दी के अंदर 4,000 से 4,500 मेजर और माइनर फैक्ट्रीज हैं, किसी में भी NOC नहीं ली जाती है, ये अब का नहीं है, काफी टाइम से मतलब। देखिए ऐसा है।